सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं हूँ सम्राट ढाबा के अंदर और आप लोगों को हम दिखाएंगे कि सब्जी कैसे बन रही है। ये सस्पेंस है आज सबसे बड़ा। और आपको दिखाएंगे आज पूरा होटल का टूर। आए हुए थे तो हमने देखा कुछ ऐसा सीन है, तो हमने सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं यहाँ का। देखिए बहुत खूबसूरत और प्यारा नज़ारा है। सुबह सुबह का टाइम है दृश्य और आप लोग देख पाए NH 30 के बगल में जस्ट ये है। और यहाँ पर सुबह की तैयारी कुछ हो चुकी है ऐसा देख रहे हैं। सुबह यहाँ चाय नाश्ता मतलब बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। डर गए आप तो? आलू गोभी का सब्जी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बैगन बिल्कुल पसंद नहीं है और आलू चने की सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन बिना मिर्ची वाली। ज़्यादा मिर्ची नहीं होनी चाहिए उसमें। तो देखिए, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आज का ये ब्लॉग है हमारे चैनल पर आपके लिए, आपके होटल के लिए। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, कल से ताज़ा मौसम हो गया है, फ्रेश माइंड। 26 जनवरी भी क्योंकि ख़त्म हो गया है और हम लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं, वो जो शुरू करेंगे आज से। तो मैंने सोचा कि आज एक नया ब्लॉग बना लेते हैं, तो हमारे सारे ब्लॉग इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि हमारा जो शूटिंग का सेटअप है वो कैसा है, कुछ दिखाते हैं। तो अंदर चलते हैं। देखिए अभी हमने यह जस्ट शूट के लिए लोकेशन बनाया है। यहाँ पर हम जितने भी छोटे बड़े शूट होंगे इस पर्दे को ले जाके अलग अलग जगह पर हम लोग शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइट का एक सिस्टम है, मतलब ये बोलिए तो इस तरीके का। अभी बाकी सारी लाइटें हमने ऑर्डर किया हुआ है जो कि अभी तक आया नहीं है। अब कुछ यहाँ पे डेकोरेशन का सामान है जो कि आने वाला है, तो जल्दी हम नई वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के पास। और चलिए मैं अब दिखाता हूँ बाहर से इसका नज़ारा कि क्या कुछ खास है और कैसा लगता है ये बाहर से होटल। तो मैं पूरा वीडियो दिखाता हूँ, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग गया। बाकी की और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं सीधे बाहर। देखिए प्यारी गुड़िया है, कभी बोलती भी नहीं है, यहीं पे खड़ी रहती है। रोज़ जब भी मैं आता हूँ यहाँ देखता हूँ तो ये ऐसे ही खड़ी रहती है। शायद आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। देखिए तो ये होटल है, होटल के बगल में छोटी सी नदी है प्यारी सी, और यहाँ पर पानी गिर रहा होता है झरने का। ये गाड़ी है और यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है, दृश्य है जो कि आप देख पा रहे हैं। और ये झंडा जो कि हमारे देश का किसी न किसी रंग का, और हमारे देश में हर 2 महीने पे 3 महीने पे कोई ना कोई त्यौहार होता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और हमेशा ही, और वो देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। डॉक्टर साहब, दो शब्द इस रेस्टोरेंट के बारे में जो यहाँ पे है हॉस्पिटल, तो इसके अनुसार क्यों यहाँ पर आपने खोला था, क्या सोच के यहाँ पर जैसे खोले थे? अभी इधर जगदीशपुर क्षेत्र में कोई होटल खुला नहीं रहता है। जब हमने हॉस्पिटल डाला था तो बहुत से पेशेंट लोग आते थे रात को, तो उनको खाना खाने में बहुत दिक्कत होता था। हाँ। तो हमने सोच बनाया था कि नहीं, खाना ही नहीं रहेगा तो दुनिया में लोग कैसे जी पाएंगे। हमने रात को 24 घंटा होटल सम्राट ढाबे के नाम से खोला, और इसमें हमारे इस होटल से स्टाफ को भी खाना मिल जाता है और बाहरी आने वाले इंसान को भी खाना मिल जाता है। लॉकडाउन में हमने देखा था बहुत खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी लोगों के लिए। हाँ। उसके लिए हमने खोला ये कि नहीं, सुविधा हम लोग को देंगे यहाँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उनको चाय की जरूरत पड़ती है, वहाँ लोग लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अभी हाल ही में हमने सुना है कि शायद हॉस्पिटल में कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो गया है, सुने व्यवस्था हो गया है, लेकिन बाहरी आदमी जो आते हैं यहाँ पर आकर खाते हैं, शायद उनको उस क्वालिटी का खाना वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल है भैंस का चाय मिलता है, भैंस का ओरिजिनल दूध का चाय मिलता है, ओरिजिनल पेड़ा मिलता है, ओरिजिनल पनीर मिलता है, और ये सब कुछ मिलता है। चलिए तो मैंने दिखाया ऐसा कुछ है। हमारे डॉक्टर साहब का दिल इतना बड़ा है कि कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए, और ख़ासकर बच्चों के लिए, जो कि मैंने बताया था। कुछ और वीडियो है जो कि इनके चैनल पर आएगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार साइड से हम दिखा देते हैं।